Hello friends, so in this lecture I am presenting to you basic concepts related to bills, laws and constitutional amendments. और मैं आपको ऊपर से समझाऊंगा कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, चलिए क्विकली बिगिन करते हैं. तो सबसे पहले देखिए, बिल्स जो होते हैं वो लेट से हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटर लेवल पे, और सेंटर में एक बिल आ रहे हैं कि रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स. ठीक है, तो इसको एक ड्राफ्ट बिल कहा जाता है कि ये हम चीजें लाना चाहते हैं. लेट से हम लाना चाहते हैं 5% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स. ठीक है, तो इसको सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, डिपेंडिंग ऑन द कि वो मेंबर किसके हैं या सरकार कहां पर प्रेजेंट करना चाहती है, या प्राइवेट मेंबर बिल है तो एमपी किस हाउस में प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल प्रेजेंट किया जाता है और स्पीकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ऑफिशियल गैजेट में आ जाता है. ठीक है, तो बिल की देखिए फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है और थर्ड रीडिंग होती है. इन इन सब के अंदर क्या क्या होता है मैं डिफरेंट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन जनरली आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट रीडिंग में प्रेजेंट किया जाता है, सेकंड रीडिंग में कुछ चेंजेस जो लाने वो प्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी को भेज देते हैं, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी को भेज देते हैं, और थर्ड में क्या होता है कि वोट किया जाता है कि जो चेंजेस हमने ब्रिंग करे हैं वो आपको एक्सेप्टेड है या नहीं है. तो लेट्स से यहाँ पर 5% रिजर्वेशन था और ये डिसाइड होता है कि हमें 2% ही देना है सेकंड रीडिंग में, तो थर्ड स्टेज में मतलब थर्ड रीडिंग में ये वोट होगा कि 2% आपको एक्सेप्टेड है या नहीं. तो लेट्स से लोकसभा उसे एक्सेप्ट कर लेती है, फाइन. फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा में भी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के थ्रू जाता है और जब एक्सेप्ट हो जाता है तो देखिए प्रोसेस क्या रही. बिल वो लोकसभा में गया, वहां पे वोट हुआ और एक्सेप्ट हुआ, फिर राज्यसभा में गया, डिस्कस हुआ, वोट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, फिर उसके बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है और जब प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट कर लें, साइन कर लें, ठीक है, तो वो एक एक्ट बन जाता है, एक्ट, और इसे लॉ भी कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो देखिए ड्राफ्ट बिल प्रेजेंट किया था कि 5% हमें रिजर्वेशन देना है, तो वो आगे चला और 2% में जाके वो एक एक्ट बन गया. ये मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, अभी कोई रिजर्वेशन नहीं है ट्रांसजेंडर्स के लिए. ठीक है, तो बिल्स और एक्ट्स में ये डिफरेंस है, और जब वो एक्ट बन जाता है तो वो एक लॉ बन गया, मीन्स वो इंडिया में सबको मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानेंगे, अगर लेट से हमने कोई लॉ बनाया है तो उसकी कोई पनिशमेंट होगी, ऑफेंस होगा. ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हुआ एक बिल्स और एक्ट्स में. मैं इसके साथ साथ आपको एक चीज ये बता देता हूं कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है. तो लेट से आपने एक बिल पास किया कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के अगेंस्ट, कि ह्यूमन राइट्स हमें प्रोटेक्ट करने सबके, और इसके इसके अधीन ही एक बॉडी बनी एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो एक रियलिटी में भी बॉडी है, जो 1990s में कभी बनी थी, शायद 1992-1993 में. तो ये एक एक्ट के थ्रू पास हुई, तो इसलिए इसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे, फाइन. तो क्या हुआ, सबसे पहले एक ह्यूमन राइट्स के लिए एक एक्ट बना, उसके अंतर्गत एक बॉडी बनी एनएचआरसी, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हुई. ठीक है, स्टैट्यूटरी एक्ट के अंदर है तो स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, फाइन. चलिए मूव करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है. तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफी तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आर्टिकल 368 के अंदर प्रेजेंट है. इसमें भी सबसे पहले क्या होता है, हम अमेंडमेंट बिल लाते हैं, जैसे नॉर्मल बिल, ऑर्डिनरी बिल होते हैं ना, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस करे उन्हें ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, और यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है. तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो 122 नंबर अमेंडमेंट बिल जो था वो जीएसटी था, तो नंबरिंग होती है सिंपली कि 101, 102, और ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आपको 101 पास करना है फिर 102, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है. ठीक है, ये आप याद रखना,
तो आप इसलिए नोटिस करोगे कि 122 से पहले भी जो अमेंडमेंट बिल हैं वो भी अभी पास नहीं हुए हैं। और सिमिलर प्रोसेस के थ्रू, मैं प्रोसेस अभी डिस्कस नहीं कर रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसेस क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड सपोर्ट ऑफ स्टेट्स, वो मैं अभी इसमें डिस्कस नहीं कर रहा, वो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 122 अमेंडमेंट बिल जब ऐसे ही लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का असेंट ले ले तो वो एक एक्ट बन जाता है। इन केस ऑफ जीएसटी हाफ ऑफ स्टेट्स को भी एक्सेप्ट करना था, हाफ ऑफ स्टेट्स मीन्स 15 को भी एक्सेप्ट करना था, ठीक है। तो जब ये एक्सेप्टेंस हो गया तो वो एक एक्ट बन गया, मतलब 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए बिल 122 नंबर पे था लेकिन अमेंडमेंट जब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज जो लाए वो 101 नंबर पे है, क्योंकि वो भी एक अपने सीरियल फॉलो कर रहा है, ठीक है। नंबरिंग 99 था, 100 था, फिर 101। अब लेट से कोई अमेंडमेंट बिल है 113, जब ये पास अगर हुआ नेक्स्ट तो उसको 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही अभी जैसे 123 अमेंडमेंट बिल चल रहा है, उसके अंदर एक बॉडी है, नेशनल बॉडी फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। तो अगर ये पास हो गया तो वो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। अब देखिए इसमें एक और चीज समझने की जरूरत है कि ये अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है, इससे अगर हमने कोई बॉडी बनाई है इसके अंदर, और इसके अंदर एक बॉडी बनी है जीएसटी काउंसिल, तो इस जीएसटी काउंसिल को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। एनएचआरसी क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेजेंट नहीं थी, वो एक एक्ट के थ्रू बनी थी, इसलिए उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कह रहे थे। लेकिन जीएसटी काउंसिल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए उसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ये ईमेल आईडी है, या कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं, और मैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू।